गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गीता नेगी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना। सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट की मैथ्स। ठीक है, आज हमारा चैप्टर है फोर्थ। इससे पहले हमने पढ़ा था ना एडिशन वाला थर्ड चैप्टर, आज हमारा फोर्थ चैप्टर है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन होता है किसी चीज़ को भी कम कर देना, कम हो जाता है जिससे, ठीक है, घट जाता है जो। टेक अवे मतलब कुछ हम चीज़ें जो हमारे पास थी वो हमने किसी को से ले ली, ठीक है, तो वो खुद ब खुद कम हो जाती है। तो इसी को आज हम पढ़ेंगे एडिशन का। जो हमने कहा था एडिशन का क्या होता है, जोड़ देना, किसी को चीज़ को ऐड कर देना। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट कर देना, उसको खत्म कर देना है। ठीक है, तो करते हैं हम। ये जो गर्ल दिख रही है उसके पास कितने फ्लावर हैं, 5 फ्लावर्स हैं, देख रहे होंगे आप। इसके पास कितने फ्लावर्स थे, 5 थे। 5 में से इसने क्या किए, 2 दे दिए, तो इसके पास कितने बचे, 3 रख दिए। इस तरीके से किसी चीज़ को उसने, उसके पास फ्लावर थे तो उसने उसमें से कुछ दे दिया, तो क्या हो गया, उसका सब्ट्रैक्शन हो गया, यानी कि 5 से 2 माइनस कर दिया। इसी तरीके से 4 लीव्स थी, 2 दे दी हमने, तो हमारे पास कितनी बची यहाँ पे, 2 ही बची, आप 2 लिखेंगे यहाँ पे। इसी तरीके से बटरफ्लाइज थी, देखो कितनी हैं, 1 2 3 एंड दूसरी, जब सारी की सारी उड़ गई तो उसमें कुछ बची, नहीं बची, ठीक है, तो हम इसमें लिख देंगे 0। यहाँ पे आप लिखेंगे 3, यहाँ पे कुछ है, इस फ्लावर में कुछ नहीं बैठी है, तो यहाँ पे 0। तो हमारे पास कितनी बची फ्लावर में, कुछ भी नहीं है, यानी कि 0 बची, तो आप 0 लिख लेंगे। इस तरीके से इसके पास अब 2 बच्चे दिख रहे हैं आप लोगों को। उसके बाद 3 पेंसिल्स हैं, ठीक है, उसने 1 पेंसिल अपनी फ्रेंड को दे दी, तो उसके बाद कितनी बची, 2। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। अब यहीं ऐसे ही लिखा है, नीचे 6 लिखा है, -4, ये देखो, तो कितने थे, 6 थे, 6 में से 1 2 3 4 टूट गए, तो कितने बचे, ये 2 बचे, तो हमने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे देखेंगे आप फ्रॉग कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 फ्रॉग हैं, उसमें से क्या किया, 1 2 तैरने के लिए चले गए, ठीक है, तो कितने बचे, 3, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे इस तरीके से। अब लीव्स थी, 9 लीव्स थी, 4 उसमें से झड़ गई, ठीक है, आप कितनी बची, आप इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब देखो इसकी टोकरी में 5 मैंगोज थे, इसने 1 मैंगो खा लिया है, ठीक है, अब उसके पास कितने बचे, 4, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हैं 3 ग्लासेस हैं, ठीक है, 3 ग्लास हैं, पहले आप इनको काउंट कर लेंगे, फिर देखो यहाँ पे सारे टूट गए, तो कुछ भी बचा, सॉरी यहाँ पे 3 लिखेंगे आप, 3 के 3 हो गए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0, ठीक है, इस तरीके से आप इसको करेंगे। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 में से 4 हमने ले लिए, तो यहाँ पे कितने बचे हमारे, 3, इस तरीके से आप इसको देखेंगे, 3 ले लिए, तो ना सॉरी 4 ले लिए, तो हमारे पास 3 बचे। इसी तरीके से एप्पल्स को काउंट कर लेंगे, उसमें से कितने ले लिए उसने, 6 से 4 ले लिए, 2 बच गए, तो आप 2 लिखेंगे। ऐसे यहाँ पे फ्लावर है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 फ्लावर हैं, 7 के 7 तोड़ दिए हमने, तो हमारे पास कितना बचा, 0। अब इसी तरीके से यहाँ पे काव दिए हैं, 3 काव थी, 1 चली गई, तो कितनी बची, 2। 4 बुक्स में से 3 बुक्स ले ली, तो कितनी बची, 1। 4 टमाटोज हैं, हमने 1 भी नहीं लिया, तो हमारे कितने बचे, 4 के 4 हमारे पास रहे। इसी तरीके से ये चरखी है, धागा है, तो 3 थे, उसमें से 2 ले लिए, तो कितना बचा, 1 बचेंगे। उसी तरीके से अब यहाँ पे है आपका, ठीक है, यहाँ पे हैं आपके, इस तरीके से बना रखे हैं, इसमें से हमने 3 कट 4 कट कर दिए, तो कितना बचा, 1। फिर यहाँ पे फिर से डॉट्स भी, बॉल जैसी दे रखी है आपको, 6 बॉल दे रखी हैं, 2 उनमें से हमने ले ली हैं, यानी हमने क्रॉस कर दी, तो हमारी कितनी बची, 4। अब यहाँ पर भी इसके साथ ही लिखते चलेंगे इस तरीके से। एंड नेक्स्ट है 9 थे, 5 हमने कट कर दिए, तो हमारे पास कितने बचे, 4, वहाँ पर भी आप 4 लिखेंगे। 4 में से 4 के 4 हमने ले कट कर दी, तो हमारी क्या बची, 0। ऐसे आप इसको करेंगे। अब यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्ट एंड मैच करना है आपको, पहले सब्ट्रैक्ट करना है, फिर उसके बाद आप उसको
मैच करेंगे। जैसे 4 में से 2 माइनस किया तो कितना बचा, 2। तो इन्होंने क्या कर दिया, इस वजह से एरो लगा दिया। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आपको कुछ नीचे ऑप्शन भी दिए हैं, ठीक है इसको मैं छोटा कर देती हूँ। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 में से 2 माइनस करेंगे और बीच में आपको ऑप्शन दिया है ठीक है, तो 5 आएगा। तो 5 हमें 5 ढूंढना है, पहले फाइंड करना है कि 5 कहाँ पे है, तो उसमें हम क्या कर देंगे इस तरीके से निशान लगाए। 9 में से 1 8, तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। तो 8 में लगाएंगे आप। 5 में से 1 4, 6 में से 3 3, 7 में से 1 6, 5 में से 0 क्या आ जाएगा, अगर 5 में से 0 माइनस करेंगे यानी कि हमें कुछ माइनस नहीं करना है तो हमारा 5 ही आएगा। 9 में से 5 4, 8 में से 2 6, 7 में से 4 3, पहले हमें माइनस करना है उसके बाद हम उसमें मैच करते रहेंगे उसको। 8 में से 0 तो क्या आएगा, 8 में से 0 माइनस करेंगे तो 8 ही आएगा ठीक है, यानी कि हमें कुछ भी माइनस नहीं करना है। 5 में से 3 2, 8 में से 3 5, 7 में से 7 0 आ जाएगा। 7 में से 7 करेंगे यानी कि हमारे पास 7 टॉफीज थी, 7 की 7 हमने खा ली तो हमारे पास कुछ बची नहीं बची, तो हम इसको इस तरीके से करेंगे ठीक है। नेक्स्ट आपका सब्ट्रैक्शन है, इसे भी आप ऐसे ही करेंगे। 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आ गया, 5 में से 2 माइनस, ऐसी तरीके से आपको फिर ये खड़े में दे रखा आपको ठीक है। अब ये है आपका नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आप देखेंगे ठीक है, राइट द मिसिंग नंबर, जो मिसिंग नंबर है उनको आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे 8 है, हमें क्या माइनस किया कि 7 आया हमारा आंसर ठीक है, तो 8 में से हमने क्या माइनस किया कि हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 8 में से हम 7 को माइनस कर लेंगे ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा 8 में से हम 7 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1। यानी कि हमने 8 में से 1 माइनस किया तो तब जाके हमारा क्या आया है, 7 आया है। इसी तरीके से 5 में से क्या माइनस किया कि 1 आया, तो आप क्या करेंगे, 5 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 5 में से 1 माइनस किया तो 4। यानी कि हमने 5 में से 4 माइनस किया तब जाके हमारा 1 आया। इसी तरीके से इसमें करेंगे आप ठीक है, अब 3 में से हमें 3 को माइनस कर देना है, ये है वाला 3, ये वाला 3 को माइनस कर देना तो 0। यानी कि हमने कुछ भी माइनस नहीं किया है तभी हमारा आंसर में 3 आया है। अब जैसे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ देखो फर्स्ट वाला नंबर नहीं दिया है, माइनस किया हुआ दिया है और आंसर दिया है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमें ये वाला नंबर बताना है ठीक है, हमें ये बताना है कि आखिर हमने 2 किस में से माइनस किया है कि आंसर 3 आया, तो आप क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 और 3 को ऐड कर दिया तो क्या आ गया, 5। यानी कि हमने 5 में से 2 माइनस किया, 5 में से अगर आप 2 माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, 3, यानी कि हमारा आंसर सही है। तो आप 3 में से फिर सॉरी 5 में से 3 और 5 को ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 2 और 0 को ऐड कर लेंगे, इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से इसको करें और आपका ये वाला आप खुद करेंगे ठीक है। थैंक यू।